हूँ सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में वो कौन सी गलतियाँ मिस्टेक है जिसे आपको नहीं करना है। तो इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट एरर्स है, ठीक है, जो फर्स्ट मिस्टेक है वो कौन सी मिस्टेक है हम इसे जानेंगे। इस वीडियो में हम 4 गलतियां मिस्टेक को पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो कई स्टूडेंट जो इन गलतियों को करते हैं वो आज से ही इन गलतियों को करना छोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट मिस्टेक है वो कौन सी है हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको सिर्फ काला व नीले, ओके, ब्लैक या ब्लू पेन या स्केच का ही यूज करना है, प्रयोग करना है। इसके अलावा आपको किसी भी हरा लाल या रंगीन पेन का यूज क्या करना है, नहीं करना है। आपको सिर्फ ब्लैक या ब्लू पेन या स्केच का ही प्रयोग करना है। इसके अलावा आपको हरा या लाल या रंगीन पेन का यूज नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। ओके, फिर हमारा जो सेकंड मिस्टेक है वो कौन से हैं मिस्टेक, तो यहाँ पे हमारे जो सेकंड मिस्टेक है वो क्या है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। आप कहोगे कि ये क्वेश्चन नहीं आता तो हम कैसे उसे नहीं छोड़ेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे हम इसके सॉल्यूशन को भी ढूंढ रखे हैं। तो यहाँ पे किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि आपको, ओके, आप पहले प्रश्न को पढ़िए फिर उसके बाद आपको उत्तर नहीं आता है। ओके, आपको उत्तर नहीं आता है तो आप उस प्रश्न को छोड़े ना, बल्कि बल्कि जिस विषय अर्थात जिस सब्जेक्ट का पेपर आप दे रहे हैं और वह क्वेश्चन जिस चैप्टर, जिस चैप्टर या जिस लेसन का हो, अगर आपको उस पाठ का कोई भी टॉपिक याद है तो आप, आप उसके प्लेस पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो। आप बिल्कुल उसे लिख दीजिए। अगर वो 4 मार्क्स का रहेगा, तो आपको टीचर 2 मार्क्स ज़रूर देगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हमने बताया क्या कि आप जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो उसी सब्जेक्ट और वो क्वेश्चन जिस टॉपिक जिस चैप्टर से आया है उसमें से आप किसी भी टॉपिक को लिख सकते हो। ओके, जो आपको उस चैप्टर में से याद हो, जो टॉपिक याद हो उसी के बारे में आप लिख दीजिए। आपको 4 मार्क्स का रहेगा तो 2 मार्क्स अवश्य मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया सेकंड मिस्टेक, जिसे आप आई होप के समझ गए होंगे। फिर हमारा जो थर्ड मिस्टेक है वो कौन से हैं जो अक्सर करते रहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड मिस्टेक है वो क्या है, कॉपी में बेकार अथवा फालतू के शब्दों को बिल्कुल नहीं लिखना है। क्योंकि अगर आप कॉपी में बेकार अथवा फालतू के शब्दों को लिखोगे तो आपको टीचर 1 भी नंबर नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से वो शब्द हैं जिन्हें नहीं लिखना है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स कसम लिख देते हैं, गाने लिख देते हैं, ओके, फिल्मी गाने या कई गाने, किसी भी प्रकार के गाने को लिख देते हैं, गालियाँ लिख देते हैं, आत्महत्या जैसी शिकायतों को लिख देते हैं और गलत खबरें लिख देते हैं। तो नहीं, ये आपको नहीं करना है स्टूडेंट, क्योंकि आप अगर ये सब लिखेंगे कॉपी में तो आपकी आपको क्या होगी, 1 भी नंबर नहीं मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। फिर उसके बाद जो हमारा 4 मिस्टेक है वो कौन सी मिस्टेक है, उत्तर पुस्तिका में पैसे बिल्कुल नहीं रखनी है। ओके, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि उत्तर पुस्तिका में कभी 100 के नोट, कभी 500 के, कभी 1000 के, ओके, यहाँ पे आपको, या 2000 के, ओके, इस समय तो 1000 का नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आपको किसी भी पैसे को नहीं रखना है। क्योंकि आप इस समय जो हो रहा है बोर्ड एग्ज़ाम वो CCTV के निगरानी में हो रहा है। आप पैसे रखोगे तो यहाँ पे आपके पैसे दिखाई दिए जाएंगे और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पैसे को बिल्कुल नहीं रखनी है। तो ये रह गए मिस्टेक। ओके, इसके अलावा आपको बोर्ड एग्ज़ाम के जो आप
पेपर कॉपी मिलती है आपको, उस पे आपको रोल नंबर प्रत्येक पेज पर लिख देना है, ओके, अपने रोल नंबर को प्रत्येक पेज पर लिख देना है। ये रहे हमारे 4 मिस्टेक, ओके, तो ये रहे हमारे 4 मिस्टेक। फिर इसके अलावा अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखे जाते हैं, अगर आप इसे भी जानना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल अपना विद्यालय पर अपलोड किया गया है, वहाँ से आप अपना विद्यालय YouTube पर सर्च करके, ओके, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पे जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।